तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने जो भी पोस्ट किया है फेसबुक के अंदर, अगर आप सभी पोस्ट को एक क्लिक में डिलीट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको फेसबुक पोस्ट को यानी सभी फेसबुक पोस्ट को डिलीट करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक पर अभी तक जितने भी अपने पोस्ट किए हैं, अगर सभी पोस्ट को आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फेसबुक ऐप को सबसे पहले अपने फ़ोन में आप ओपन कर लेंगे। टॉप राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल फोटो शो होगा या थ्री लाइन शो होगा, आप इसे थ्री लाइन या प्रोफाइल फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो सर्च के ठीक बगल में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक की सेटिंग में इस तरीके से आप आ जाएंगे। बस ऊपर की तरफ से स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर योर एक्टिविटी वाले ऑप्शन में यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो पहले नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है एक्टिविटी लॉग, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगला इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा योर फेसबुक एक्टिविटी, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर से नीचे बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नीचे सेकंड नंबर पर ये ऑप्शन मिलेगा पोस्ट का, और उसके नीचे आपको ऑप्शन दिया गया होगा मैनेज पोस्ट, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। जैसे आप मैनेज पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिया गया है, आप इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, कैटेगरी और डेट का। तो यहाँ पर कैटेगरी वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेकेंड नंबर पर यानी पहले नंबर पर ऑप्शन मिलेगा योर पोस्ट फोटो एंड वीडियोज, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो भी अभी तक आपने पोस्ट किया हुआ सारा का सारा पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर सभी पोस्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी पोस्ट यहाँ पर एक क्लिक में सिलेक्ट हो चुका है। बस आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको ट्रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस ट्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगला इंटरफेस इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा मूव ट्रेस, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप मूव ट्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको वापस यहाँ से इस तरीके से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेस का, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेस का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ट्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी वहाँ पर आपने अभी अपना जो भी पोस्ट है जो भी सिलेक्ट करके आपने ट्रेस में डाला हुआ था यहाँ पर आपका वो पोस्ट सभी पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसके ऊपर भी यहाँ पर देख सकते हैं ऑल का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सभी का सब यानी जो भी पोस्ट है सारा का सारा पोस्ट यहाँ पर एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। बस आपको नीचे यहाँ पर देख सकते हैं थ्री डॉट दिया गया है, आप इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिस्टोर और नीचे सबसे डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर यानी कंफर्मेशन मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा, आइटम यू डिलीट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो भी आप यहाँ से आप डिलीट कर देंगे वो आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, तो डिलीट करना ही है तो डिलीट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो जो भी आपका इंस्टाग्राम यानी फेसबुक का लॉगिन पासवर्ड होगा उसे पासवर्ड डालकर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, जो भी आपका पोस्ट है वो परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा।